हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इन दिस वीक और नेक्स्ट 15 डेज। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। चलिए जनाब, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट दिस वीक और विद इन 15 डेज? क्या होने वाला है विद इन 15 डेज में या इस वीक में? चेक करते हैं क्या होने वाला है इस वीक में और विद इन 15 डेज में। व्हाट विल हैपन इन दिस वीक और विद इन 15 डेज? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, वेल, आपका मीटअप है, आप सरप्राइजिंग, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है, और इस वीक में यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आप अपनी लाइफ में बहुत महव हुए हुए हैं, वर्किंग पर्सन हैं आप, और आप काम पर, अर्निंग पर, एक्सपेंसेस पर, फैमिली लेगेसी पर, हर जगह पे आप मसरूफ़ हैं, आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो इस वीक में या 15 डेज़ में आई कैन सी के कोई एक पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको बहुत रिलीजियस, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाता है, उसकी तरफ से आपको कोई अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस होगा। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, लेकिन उसकी तरफ से आप कभी भी कोई एक्शन नहीं देखते। या तो इनको किसी ने, कोई इनको गाइड करेगा दैट यू शुड गो एंड मीट हर और हिम, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मर्द हजरात में भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली ये हैरोफेंट का कार्ड है। कोई आपको ऑब्जर्व भी करेगा, और ये पर्सन है बहुत जेन्युइन, इसकी कोई इल फीलिंग, कोई इल इंटेंशंस नहीं है आपके टूवर्ड्स, लेकिन आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वीक में कोई आपकी अटेंशन लाना चाह रहा है आपके एक्चुअल रोल तक। आपको किसी की बहुत शिद्दत से याद भी आ सकती है, या किसी को आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है, एंड विद द एस ऑफ कप्स बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ओवरफ्लोइंग जिसे कहना चाहिए। आप बहुत डाउन सा फील कर तो रहे हैं, बट यू कैन नॉट गिव वर्ड्स, और इस कमिंग वीक में ऐसा होगा या विद इन 15 डेज में आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप खुद ही पुश हो जाएंगे कि आप कॉन्टैक्ट कर लें और आप बता दें कि मेरी लाइफ अभी जहाँ पर जिस भी तरह से स्टैंड करती है, दिस इज़ फॉर श्योर दैट मैं ना भुला सकी हूँ, ना भूली हूँ, और ना भूलूँगी या भूलूँगा, जो भी है। आपको किसी बात का सलूशन भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इस इंसान को डील करने के लिए। ये एक ऐसा पर्सन है जो बैठा ही रहता है, कोई आपको हार्म नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कोई एक्शन भी नहीं लेता। इसको बहुत स्ट्रांगली, बहुत जेन्युइनली इस बात का रियलाइज़ हो रहा है, इसको डिवाइन बहुत स्ट्रांगली इस बात को इंडिकेट कर रही है दैट ही और शी लव्स यू इंटेंसली, लिटरली। शायद इनके सामने सोल्यूशन है भी, लेकिन फिर भी इनको नहीं पता कि कौन से ताले में कौन सी चाबी डाली जाए कि अप्रोच आप तक हो जाए। बेसिकली समवन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लव, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, विद इन अ वीक या विद इन 15 डेज में आप किसी
बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन से जिससे जिसकी तरफ से आपका ध्यान हट गया एक्चुअली, उसकी तरफ से आप एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्सपीरियंस करेंगे, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं या वैसे भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, प्लस सेक्टेरियन लेवल पर डिफरेंस भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी बहुत हो सकता है, या तो लोग आपको बहुत मानते हैं या लोग इनको बहुत मानते हैं, आप लोग का रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करेंगे एक हकीकत, और वो हकीकत मोहब्बत पे मबनी होगी, और आपकी अटेंशन को हासिल करने के लिए ये चीज़ होगी विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज। लेट्स सी मोर। अच्छे कार्ड्स हैं, एक्सप्रेशन भी है, कन्फेशन भी है, किसी का मनाना भी है, मानना भी है, कोई आपको कन्वेंस करता भी नज़र आ रहा है, किसी के थ्रू आपको कन्वेंस किया जाएगा इस वीक। लेट्स सी मोर व्हाट विल हैपन। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, कोई आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी इंसान है इसके साथ आपका मामला ख़त्म हो चुका था इसकी अना की वजह से, इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। ओके, वेरी क्लियर मैसेजेस, वेरी क्लियर। विद इन अ वीक या 15 डेज में आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में देखेंगे, एक ऐसी साइट से जहाँ पे फाइनेंसेस की वजह से आपको छोड़ दिया गया था, कोई अपने करियर और अपनी अपने रेपुटेशन की कोई की स्ट्रगल में किसी ने आपको लिटरली थर्ड पार्टी में डाल दिया था, चूज़ कर लिया था किसी और चीज़ को, लेकिन अब आपके बगैर नहीं रहा जा रहा, और आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ये शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन बढ़ने में अब एहसास हो रहा है कि जितनी चीज़ें छुटती गईं, वो छुटती ही गईं, और अब ये बिल्कुल विद द एम्परर कार्ड अपनी ज़िद को, अपनी अना को लेकर बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। काफ़ी दिल दुखा हुआ है इनका, या तो उन्होंने आपको, आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत हर्ट किया है। ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेंगे और अपनी ईगो को साइड पे करेंगे और कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर बोलेंगे। और ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कोई भी हो सकता है, एक ऐसा पर्सन जो कि आपको बॉस करता है, आपको लीड करता है, इसको शायद अपनी गलती का एहसास हो, इसने कुछ गलत अल्फाज बोल दिए हैं, इसने आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, बट दिल सपोर्ट यू एज़ वेल इन अ डिफरेंट वे, आपके साथ हैं भी लेकिन आपके साथ नहीं भी हैं, और इस वक्त एट द मोमेंट तो बिल्कुल ऐसे छोड़ा है कि जैसे सही करो सब चीज़ें, ठीक करो। क्या होगा विद इन अ वीक और 15 डेज में? गिव मी मोर मैसेजेस। और क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक में या विद इन 15 डेज में? व्हाट विल हैपन इन दिस वीक और विद इन 15 डेज? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, कम बैक ही लग रहा है मुझे तो किसी का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, कम बैक है किसी का। सेवन ऑफ कप्स, कम बैक यूँ भी है कि एक तो ये पर्सन आपसे बहुत डिस्टेंस पर है, करीब नहीं रहता, और इसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, ये आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है इस वक्त। इससे अपने ये जो भी चीज़ इसके जहन में विद द हैरोफेंट कार्ड आई है ना, एक मेजर रियलाइजेशन, ये 15 डेज और इस वीक में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मान लेंगे आकर कि यार चलो पुरानी बातें छोड़ो, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। एंड विद द सेवन ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि ये आपको क्लियरली बताएंगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने ऑप्शंस को क्यों देखा, मैं ऑप्शंस की तरफ क्यों गया, और क्यों ज़रूरी था उस वक्त, शायद यही तकाजा था, जो भी एक्सक्यूज़ इन्होंने देनी है ये देंगे, लेकिन मैं आपकी तरफ किसी पर्सन को आते हुए देख रही हूँ विद द कन्फेशन,
विद द अनकंडीशनल कन्फेशन. कुछ रिग्रेट भी है, कुछ कन्फेशन भी है, कुछ ये मानना भी है, कुछ जज्बात का मानना भी है. ये पर्सन आपसे दूर है, किसी भी फॉर्म में ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, पता नहीं कौन है, किसी भी फॉर्म में. इस वक्त पैशन काफ़ी हाई है इनका और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ. बहुत पैशनेट हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं. और अब शायद इन्होंने जितनी चीज़ों में कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इट लुक्स लाइक कि ये इस वीक में या 15 दिनों में कोई ऐसा जेस्चर ज़रूर शो करेंगे जिससे ये लगे कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं. काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन ये पर्सन एज अ पर्सनैलिटी इनके अंदर ज़िद है, एरोगेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी हो सकती हैं. लेट्स सी क्या होगा इस वीक या विद इन 15 डेज में. क्या होगा इस वीक या विद इन 15 डेज में. क्या होगा इस वीक या विद इन 15 डेज में. मैसेज, कम्युनिकेशन आ रही. कोई लिटरली ट्रैवल करके आपसे कम्युनिकेट करेगा. स्टेलमेट, आपका ध्यान हट चुका है इस पर्सन की तरफ से. इसने काफ़ी अवॉइड किया, आप भी इस पर्सन को वापस आने में अपनी ज़िंदगी में अवॉइड कर रहे हैं और अब आप सोचते भी नहीं हैं, लेकिन इस भी कुछ ना कुछ होगा. एल्यूजन, शायद ये धोखा है इस इंसान का या आपका. आप इसके तरफ से जो भी साइन देखेंगे, आपको ख़ुद कन्फ्यूजन होगी कि ये कहाँ से टपक पड़े. ब्रेक थ्रू, इन्फनी, एपिफनी. बैरियर्स को तोड़ा जाएगा या फिर मज़ीद कोई और इस तरह की चीज़ होगी जिसमें आप या तो टूटेंगे. एक कर्विंग मोड आने वाला है, बेल कर्व जिसको कहते हैं ना, एक कर्विंग मोड आने वाला है. लेट्स सी मोर व्हाट एल्स. ग्रैटिट्यूड, आपको शायद इनके आने के बाद ये जो एक वीक में या 15 डेज में आपकी तरफ जो भी चीज़ें आ रही हैं, इनके होने के बाद आपको लगेगा कि यार मैं इसके आने के बाद अपने पास्ट को देखूं या मैं इस वक्त देखूं कि ये मेरे लिए जो आज के दिनों में ब्लेसिंग्स जितनी मेरे हाथ में हैं, मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी का एक रिवर्स गियर लगा दूं या मैं छोड़ दूं. ये चीज़ आपके जहन में ज़रूर आएगी. असिस्टेंट स्पिरिट गाइड्स, आपको साइंस मिलेंगे, शायद मिल भी रहे हों. एल्केमी, एंसेस्टर गाइड्स, आपकी मैनिफेस्टेशन का भी रिज़ल्ट है ये. काफ़ी मुश्किल से आपने ये टाइम गुजारा है, लेकिन और बहुत कुछ आपने अपने ऊपर हीलिंग, रिलीजियस हीलिंग्स बहुत करी हैं. कुछ पढ़ा है, कोई वजीफ़ा. हॉट अट्रैक्शन, अर्थ साइन हो सकते हैं ये. एस की बात आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अर्थ साइन हो सकते हैं और मटीरियलिस्टिक भी हैं, फ़ायदा भी अपना देख रहे हैं. आप भी काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, आप भी अब बिल्कुल कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रही है. तो इस वीक में या 15 दिनों में लॉट्स ऑफ चैलेंजिंग यानी सरप्राइजिंग इवेंट्स ज़रा ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं. एक हफ्ते के अंदर अंदर या 15 डेज में ऐसा ज़रूर कुछ होगा जिसमें आपको भी थोड़ी सी हैरत होगी कि ये क्या हुआ भाई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, ये कहाँ से हो गया. इसने मुझसे बात की, इसको कैसे ख्याल आ गया, इसको किसने कहा कि मुझसे बात करो और ऐसी बात करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें अब जाकर कहना, अब ब्रांड न्यू बिगनिंग करना, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया, उस वक्त तो छोड़ दिया था, उस वक्त तो दिल दुखाया था, अब कहाँ से जज्बात कूदे पड़ रहे हैं. ये सारे सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएंगे, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि आपकी लाइफ में अभी कमिंग वीक में या 15 डेज में कोई अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ज़रूर आने वाला है. लेट्स सी मोर. बैड हेल्थ, ओके. किसी बीमार को आप विज़िट करेंगे, नर्स हो सकते हैं आप, आपकी ख़ुद की हेल्थ का ख्याल रखिएगा. हो सकता है फ्लू वगैरह से डाउन हो जाएं, लेकिन जो भी है
उसकी शायद ख़ुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो एक कन्फेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ अप्रोच करें। डिस्टेंस पर है, ये बात मैं पहले भी कह चुकी थी, डिस्टेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि रूट्स आपसे जाके मिलती हैं, आप ही वो सबसे बड़ा एंकर हैं जहाँ पर जाकर कश्ती रुकेगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपकी रेगुलर इनकम से हट के आपके पास कुछ पैसे आएंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इस वीक में या फिर नेक्स्ट 15 डेज में। आपको लगेगा कि रेगुलर अर्निंग और सेविंग जो की थी उसमें ये मज़ीद पैसे कुछ एक्स्ट्रा बच गए हैं, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ये अनएक्सपेक्टेड हैं, तो यू विल फील हैप्पी। मेन मेल, या तो आप ये खुद हैं या ये जो मेन मेल है ये इसकी एंट्री है आपकी लाइफ में। कौन है, किस वजह से है, फाइनेंशियली अनएक्सपेक्टेड इनकम, डिस्टेंस पर है, अर्थ साइन है, नंबर वन, लॉट्स ऑफ क्लियर मैसेजेस, किसी से मीटअप होगा या कोई ये मेन मेल आपको अप्रोच करेगा या आके ख़ुद बताएगा कि आप मेरी ज़िंदगी के मेन पर्सन हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपको पता चले, ये इंसान आपको कोई ऐसा टेक्स्ट करे, आप सरप्राइज हो जाएं, ये जो बैड हेल्थ आई है इसमें अपनी हेल्थ के मुतालिक कोई बात हो, या आपको ये लगे कि ये न्यूज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या जिस पर्सन का आपकी लाइफ में मैं आने का कह रही हूँ वही आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपके लिए इसका आना कंसर्निंग हो। गिफ्ट, आप किसी को कोई गिफ्ट देंगे या आपको कोई गिफ्ट देगा, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोर्ट हाउस, मे बी आपका कोई केस चल रहा हो जो कि उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है, या फिर आपको किसी को ब्राइब करना पड़े, थोड़े से पैसे देने पड़े, आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आपको कोई लीगल नोटिस मिले, कोई भी चीज़ आपको ऐसी हो सकती है। रिलेटेड टू हाउस, यस, एंड देर इज़ अ मैच्योर मैन बिहाइंड इट, आपको शायद इस मैसेज ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग कोई सपोर्ट करेगा या कोई आपको गाइड करेगा या आपके लिए आसानी पैदा करेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी किसी मैच्योर मैन से, या आप ये पूरी सिचुएशन इस वीक से लेकर नेक्स्ट 15 डेज तक ज़रा टैक्टफुली डील कीजिएगा, ठीक है। तो ये होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में, एक वीक में या 15 डेज में, कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।